कल रात को करीब 9:30 बजे के समय में अधिक ठंड थी, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, फॉगिंग था, कुछ दिख नहीं रहा था। इसी समय में 4-5 अपराधी बाइक से उतरे और हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट को पिस्तौल और चाकू का धमकी दिखाकर हमारे स्टाफ से खुलवाए और उसके बाद वो फराफर मेरे हॉस्पिटल परिसर में घुस गए। घुसने के बाद जो भी हमारे मरीज भर्ती थे उनके साथीदार से के साथ मारपीट झगड़ा करने लगे, उनसे मोबाइल कैप छीनने लगे। उसके बाद वो अचानक फिर फार्मेसी दुकान में घुस गए और वहाँ जाने के बाद में जो कैश काउंटर है वहाँ से जो भी नकदी था वो उसको बरामद कर लिया। लैपटॉप रखा हुआ था, लैपटॉप छीन के चले गए। फिर मोबाइल चार्ज के लिए रखा हुआ था, वो मोबाइल को लो अपने हाथ में लेकर चले गए और हमारे जो भी स्टाफ थे उसके साथ मारपीट किया, उसे धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद एक स्टाफ ने मुझे खबर किया ऊपर मेरे निवास स्थान पर, तो मैंने ऊपर से बालकोनी से उसको देखा तो मुझे कुछ भदिया भदिया गाली दे रहे थे। तो फिर मैं नीचे आना चाहा लेकिन उनके हाथों में पिस्तौल देखकर मैं सहम गया और अब मैं अपनी सुरक्षा के दृष्टि से मैं अपने अंदर से निवास का गेट बंद कर लिया। बाद में वो उत्पात मचाकर कुछ देर के बाद यहाँ से निकल गया। एक बड़ी घटना भी हो सकती थी? हाँ, एक बड़ी घटना हो सकती थी। ये लूट के नज़रिया से यहाँ पर आए थे और अच्छा हुआ कि हमारे स्टाफ सब एक्टिव थे, सक्रिय थे, जिसके बदौलत तो लोग उन्हीं से निपट लेकिन जैसे सीसीटीवी कैमरा में क्या कुछ कैद हुआ है? सीसीटीवी कैमरा में वो पिस्तौल लहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो सारे हमारे सीसीटीवी में कैद है और उनकी एक्टिविटी भी है। मुंह पे मास्क लगाए हुए थे इसलिए चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके फिजिक उसके गेट से पता चलता है कि 20 से 25 साल के बीच के वो युवक। और इस तरह के खौफ में आप लोग काम कर पाएंगे? नहीं, हम इस तरह के खौफ में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अभी दहशत का माहौल बना हुआ है, हमें भी बहुत, हम रात को इमरजेंसी में भी उठते थे लेकिन अब इस तरह का माहौल को देखते हुए लगता है कि मुझे इमरजेंसी सेवा भी बंद करनी पड़ेगी और हमारे भाई बंधु चिकित्सक लोग भी दहशत में हैं। और सिवान के नए एसपी से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? हम सिवान के नए एसपी से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, हमारे डॉक्टरों को सुरक्षा दे, हमें सुरक्षा दे जिससे हम मरीज की सेवा कर सकें। और भी कहीं चिंते हुए क्या सिवान में ऐसी घटना? नहीं, इस तरह की तो मुझे नहीं मालूम लेकिन ऐसी इस तरह की आम घटनाएँ होती रहती है जो मुझे न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो सर, जो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर 24 घंटा लिखे हैं सेवा उपलब्ध है, तो उसके विषय में अगर रात को कोई आता है तो किस तरह से जांच? अगर इस तरह का माहौल होता है तो उसको मिटाया जाएगा और अब रात्रि सेवा हम लोग नहीं देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि सर रात्रि में जो आता है उसका आधार कार्ड भी लिया जाए, आइडेंटिटी कार्ड? उस आधार कार्ड से क्या होगा, कोई भी पिस्तौल लहराने लगेगा और हमें सुरक्षा ही नहीं होगी तो हम क्या इलाज करेंगे? तो अभी जो आपने FIR दिया तो प्रशासन से क्या आप मांग करते हैं? प्रशासन से मांग किए हैं कि उसको उसकी पहचान कर उसकी गिरफ्तारी करे और उस पर लगे और हमारे। सर, एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार फर्जन। सर, क्लिनिक आपका नाम? अशोक दीप हॉस्पिटल। एड्रेस सर यहाँ का? बेंदुफार बुजुर्ग। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है ये? थाना क्षेत्र पड़ता है ओपी थाना, ओपी महादेवा। थैंक यू सर। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, पूरा मामला क्या? यहाँ पे मरीज आया था एक, उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने अंदर करे, गेट खुला हुआ था तब तक एक यात्री वाले जा रहा था टेम्पो, उसको रोक के उसको मारपीट किया, फिर हम लोग के हॉस्पिटल गेट खुला हुआ था, हमको पीछा किया, हम अभी गेट बंद कर रहे तब तक पिस्टल घुमाते हुए अंदर घुस गया। अब लोग हम लोग डर से बाहर गए, तब तक आया दुकान में, लूटपाट किया, मेरा मोबाइल और लैपटॉप रखा हुआ था वो उठा के लेके चला गया सब। क्या कुछ कैश भी ले गया है? कैश भी शायद ले गया है, काउंटर में था। क्या लगता है कि जैसे लगातार ये घटना घट रहा है, डर बना रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत डर बना हुआ है हम लोग के बीच, हम लोग के स्टाफ के बीच कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था, क्या जानकारी? करीब 3 के करीब थे। हथियार भी था? जी, तीनों के हाथ में हथियार था, पिस्टल लिया हुआ था। पुलिस आई थी? पुलिस थोड़ी देर बाद आई। अभी पुलिस आई है? अभी आई है, कार्रवाई चल रही है। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार शर्मा। तो कुछ कहे भी आपसे? नहीं, हमसे कहे नहीं, बस ऐसे गाली डांटते हुए भगाए। हाँ, कहाँ करे? हमारा घर आंध्र की तरफ, यहाँ आए हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है सर, अशोक सर के यहाँ काम करते हैं।